हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का श्रेया डिज़ाइन में बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम बनाने वाले हैं कॉटन की ये ब्यूटीफुल सी समर ड्रेस, जिसे बनाना और पहनाना ही आप देख सकते हैं कितना इजी है। बहुत ही कम फैब्रिक में बहुत ही ब्यूटीफुल सी हम ये पोशाक कान्हा जी के लिए बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत आसान है। ये पोशाक हम बना रहे हैं गाइस 4, 5, 6 नंबर के कान्हा जी के लिए, तीनों के ही इजली आने वाली है। मेरे पास ये 4 नंबर के कान्हा जी हैं, जिन्हें मैंने ये पोशाक आपको पहना कर दिखाई है। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से हम कान्हा जी को ये पोशाक पहनाएंगे और पीछे से कर देंगे इसको सेट बराबर से। तो बहुत ही अच्छे से ये देखिए हमारे बाल गोपाल जी की आई है और कितनी सुंदर लग रही है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें और इजली आप ये पोशाक बना पाओगे। तो मैंने इसे बनाने के लिए गाइस यहाँ पर लिया है कॉटन का फैब्रिक, बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा फैब्रिक है। तो इसी तरीके से आपको कॉटन का ही फैब्रिक पोशाक बनाने के लिए लेना है। सेम मैंने घेर के अकॉर्डिंग ही किया है अस्तर कट। तो मैंने जो इसकी पोशाक की चौड़ाई रखी है घेर की, वो रखी है 4.5 इंच और इसकी जो लंबाई रखी है वो रखी है गाइस, ये देखिए इस तरीके से 38 इंच। तो इस तरीके से आपको घेर की लंबाई और चौड़ाई कट करनी है, 38 इंच इसकी लंबाई है। तो हमने यहाँ पर घेर का फैब्रिक और अस्तर दोनों ही कट कर लिए हैं। इसके बाद है गाइस ये दूसरी फ्रिल वाली, इसकी लंबाई है चौड़ाई है सॉरी 3 इंच और लंबाई है इसकी 41 इंच। तो इस तरीके से 1-2 इंच ज़्यादा भी चलेगा और कम भी। तो हमने ये दूसरे घेर की लंबाई ली है और ये है हमारी चोली की। तो चोली की जो लंबाई है गाइस वो है ये देखिए 14 इंच और इसकी चौड़ाई है 2.5 इंच। तो इस तरीके से ये हमारी चोली हो गई। और सेकंड गाइस, इससे हम पाइपिंग बनाएंगे, तो इसकी लंबाई है 14 इंच और इसकी चौड़ाई है 1.2 इंच। तो इस तरीके से आपको टोटल फैब्रिक अपना यहाँ पर कट करना है। ये हमने नेफा बनाने के लिए ली है पट्टी, जिसकी चौड़ाई है 2 इंच और इसकी लंबाई है 8.5 इंच। तो इस तरीके से आपको अपना टोटल गाइस फैब्रिक कट करना है। बहुत ही ईजी तरीके से हम ये पोशाक बनाएंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सिंपली हमने क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से अपनी पट्टी को नीचे की साइड रखना है, उसके ऊपर इस तरीके से अस्तर रखना है। सीधी साइड आप देख सकते हैं हमारी अंदर की साइड है, उल्टी साइड हमारी ऊपर की साइड है। तो सिंपल हमें करनी है पहले साइड स्टिच। तो इस तरीके से हम पहले साइड में सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए गाइस, हम इस तरीके से पहले साइड में सिलाई लगाएंगे बहुत ही सिंपल वे में। हम अब लंबाई में भी सिलाई बिल्कुल एक पैर की ही हमें सिलाई लेनी है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर आपने ज़्यादा कर दी और कहीं पर कम, सिंपल इक्वल सिलाई आपको लेनी है। तो ये देखिए गाइस, हम इस तरीके से यहाँ पर लंबाई में सिलाई लगाएंगे। लंबाई में सिलाई लगाने के बाद में ये देखिए हम इस तरीके से फैब्रिक को सेट करते हुए साइड में सिलाई लगाएंगे। साइड में सिलाई लगाने के बाद में गाइस, जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है और धागे हैं उनको कर देंगे हम यहाँ पर फिनिशिंग। तो ये देखिए गाइस, यहाँ से हम एक्स्ट्रा अपना फैब्रिक कट कर देंगे और यहाँ से इसको हम इस तरीके से इसके दोनों कॉर्नरों को अच्छे से एकदम खोलेंगे। ये देखिए इस तरीके से खोलने के बाद में गाइस, हमें साइड से सिलाई लगानी है। तो हम इस तरीके से रखेंगे फैब्रिक को और सिंपल साइड में सिलाई लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे गाइस, लंबाई को भी सेट कर देते हैं, क्योंकि इससे हमारा अस्तर और हमारा मेन फैब्रिक फ्रंट फैब्रिक भी अच्छे से सेट हो जाएगा। आप यहाँ पर चाहें तो कोई भी लेसेस वगैरह लगा सकते हैं, वो बिल्कुल ऑप्शनल है। तो सिंपल हम इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो लंबाई में भी एक सिलाई लगा देंगे, जिससे कि हमारा दोनों ही नीचे का और ऊपर का फैब्रिक अच्छे से एकदम बराबर से सेट हो जाएगा, फिनिशिंग आएगी। तो आप यहाँ पर कोई भी लेस लगा सकते हैं। तो हमने ये लंबाई में सिलाई लगाई, लंबाई में सिलाई लगाने के बाद में एक सिलाई साइड में और लगा देते हैं। तो ये देखिए गाइस, इस तरीके से हम एक सिलाई और लगा देंगे अपने फैब्रिक को और अस्तर को सेट करने के लिए। और जितना भी हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा का फैब्रिक या धागे हैं, जैसे कि अस्तर यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो उसको कर देंगे हम फिनिशिंग से कट। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। कट करने के बाद में गाइस, सिंपली हमें कुछ इस तरीके से हमारी ये पट्टी मिलेगी। अब हमें यहाँ पर इक्वल घूम भरने हैं। अगर गाइस आप 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पर घूम 4.5 इंच तक भरें, और 5 नंबर के लिए 5.5, 6 नंबर के लिए 6.5, 7 नंबर के लिए 7.5। इसी तरीके से आपको घूमों को सेट करके इक्वली भरना होता है। तो हम यहाँ पर घूमों को अपने इस तरीके से अच्छे से भरेंगे और गाइस बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। ऐसा नहीं है कि ऊंचे नीचे करने हैं, बिल्कुल इक्वल आपको घूम भरने हैं। ये भी नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर आपको चढ़ा देने हैं। तो हम फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर अपने घूमों को इक्वल अच्छे से एकदम भर लेंगे। तो गाइस, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हाँ गाइस कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको पोशाक कैसी लगी। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर अपने घूम भर लिए हैं। तो ये हमारे घूम आए हैं 6 इंच तक। तो सिंपली हम यहाँ पर लगा देंगे एक और सिलाई इस तरीके से।
तो ये देखिए एक स्टिच और लगा देते हैं हम। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर एक सिलाई और लगा दी, तो कुछ इस तरीके से यह हमारा घेर आया है। ये देखिए पूरा 6 इंच है, तो कुछ इस तरीके से हमारा घेर आने के बाद में आप देख सकते हैं कितना अच्छे से आया है, कितना सुंदर लग रहा है। इसके लिए अब हम छोटा घेर बनाएंगे, यानी कि छोटी फ्रिल बनाएंगे। तो उसको हम इस तरीके से साइड से पहले स्टिच करेंगे, फिर हम इसकी लंबाई भी स्टिच करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे फैब्रिक को, और सिंपली हमें इसकी लंबाई को भी स्टिच करना है जिससे कि इसके धागे रेशे ना निकलें। वैसे तो ये कॉटन का फैब्रिक है, पर फिनिशिंग काफ़ी ज़रूरी है, उससे ही हमारी पोशाक सुंदर लगती है। तो हम बिल्कुल लंबाई में इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। गाइस अगर आप बिगनर भी हो तो भी आपको ये पोशाक बनाने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए अब हम इसकी साइड में भी यहाँ पर सिलाई लगा देते हैं इस तरीके से। सिलाई लगाने के बाद में कुछ इस तरीके से हमारी ये पट्टी आएगी, तो हम पट्टी में इसमें सिंपल घूम भरेंगे जैसे कि हमने पहले अपने बड़े घेर में भरे थे ना, सेम उसी तरीके से आपको छोटे घेर में भी घूमों को इक्वली अच्छे से एकदम फिनिशिंग के साथ में भरना है। तो ये देखिए गाइस जैसे कि हमने पहले घूम भरे थे उसी तरीके से हम अपनी इस फ्रिल के घूमों को इक्वल करके अच्छे से भर लेंगे, स्टिच कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए गाइस हमने टोटल इस तरीके से सारे घूम अपने भर लिए हैं, तो कुछ इस तरीके से ये हमारा घेर आया है। तो हम इसको नाप कर इस तरीके से देख लेते हैं पहले। ये देखिए अपने दूसरे वाले घेर से आप इस तरीके से अपने घेर को नाप लें, तो ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे इसको छोटा करने के लिए, ये देखिए इस तरीके से रखेंगे और घूमों को आसपास कर देंगे। तो हमें ज़्यादा घूम आसपास नहीं करनी है, जहाँ पर ज़्यादा गैप लगे आपको थोड़ा सा भी, वहाँ पर आपको इस तरीके से आसपास घूमों को कर देना है। ये देखिए इस तरीके से, तो हमने यहाँ पर टोटल 2 घूम पास पास में कर दिए हैं, तो उससे कुछ इस तरीके से फ़र्क आ गया है आप देख सकते हैं। तो ये घेर हमारा थोड़ा छोटा हो गया है और ये देखिए ये अब पूरा आएगा एकदम। तो ये देखिए गाइस इस तरीके से ये घेर हमारा एकदम कंप्लीट आया है। तो सिंपल इस तरीके से इसको मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर करेंगे स्टिच। तो ये देखिए गाइस इस तरीके से हम यहाँ पर मिलाकर बिल्कुल इक्वल, ये देखिए ये भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इसको आगे पीछे करना है, बिल्कुल सेम आपको इस तरीके से रखना है, बहुत ही आसानी से ये हो जाएगा। और ये देखिए हमारा घेर दोनों ही बराबर आए हैं और इनको कर देंगे हम यहाँ पर स्टिच इस तरीके से। तो ये देखिए हमने यहाँ पर लगा दी है इसमें सिलाई, इस तरीके से पक्का कर दिया है। पक्का करने के बाद में यहाँ से धागे कट कर देंगे और यहाँ से करेंगे हम फिनिशिंग। तो ये देखिए सिंपली हमें यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा के धागे हैं या फिर एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसको कट कर देना है इस तरीके से। तो ये देखिए गाइस इस तरीके से हमारा ये घेर आया है, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। तो सिंपल अब हम यहाँ पर उरेप की पट्टी लेंगे और उसको 1/2 इंच इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, ये देखिए इस तरीके से उल्टी साइड से। और सिंपल हमें यहाँ पर लगाना है नेफा। गाइस नेफा बनाने के लिए आपको उरेप की ही पट्टी लेनी है, बहुत ही अच्छे से आपका नेफा बनेगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और आप देख सकते हैं हमने इसको डबल फोल्ड किया हुआ है और पीछे की साइड से हम नेफा बना रहे हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लगा देंगे सिलाई। सिलाई लगाने के बाद में यहाँ से हमने पक्का कर दिया है। पक्का करने के बाद में 1/2 इंच हम यहाँ पर छोड़कर फैब्रिक को कट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हम 1/2 इंच छोड़कर बाकी के फैब्रिक को कट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये यहाँ पर घेर आया है नेफा लगने के बाद में। सिंपली अब हमें यहाँ पर लेनी है डोरी, तो डोरी को हम बीच में डालेंगे और सीधे स्टिच लगाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर डोरी ली है, इस तरीके से 1/2 इंच फैब्रिक हमारा अंदर की साइड फोल्ड है और सिंपल हमें लगानी है यहाँ पर सिलाई। गाइस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको डोरी पर सिलाई नहीं लगानी है, आपको साइड में ही सिलाई लगानी है। अगर आप डोरी पर सिलाई लगा दोगे तो आपको पोशाक पहनाने में कान्हा जी को दिक्कत होगी, अच्छे से आपकी पोशाक नहीं आएगी। तो डोरी को साइड में रखते हुए ये देखिए इस तरीके से सिंपली हम 1/2 इंच इधर से भी फोल्ड कर देंगे अंदर की साइड और यहाँ पर नेफा कंप्लीट कर लेंगे, एक बार और पक्का कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये ब्यूटीफुल सा घेर पोशाक का आया है। तो ये देखिए कितना अच्छे से हमारा घेर आया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है गाइस बनने के बाद में। ये देखिए इस तरीके से अब क्या करेंगे हम यहाँ पर बनाएंगे चोली। तो चोली के लिए सिंपल मैंने पट्टी को चोली की डबल फोल्ड किया है, उसके ऊपर रखी है मैंने यहाँ पर ये डबल फोल्ड करके पाइपिंग वाली पट्टी। और इस तरीके से हम इसको करेंगे सिंपल सीधा स्टिच, कहीं भी कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए दोनों पट्टियों को हमने इस तरीके से इक्वली पकड़ा हुआ है और इस तरीके से सीधी स्टिच करनी है आपको। ये देखिए बहुत ही आसान है गाइस, ऐसा नहीं है कि कहीं भी आपको दिक्कत होगी। कॉटन का फैब्रिक है, वैसे भी गाइस दिक्कत नहीं होगी क्योंकि कॉटन का फैब्रिक एक बार में ही अच्छे से सेट हो जाता है। अब इसको हम इस तरीके से करेंगे फोल्ड और सिंपल यहाँ पर पट्टी बनाकर रेडी करेंगे। चाहे तो गाइस आप इसमें कोई भी लेसेस वगैरह लगा सकते हैं,
ये देखिए, पर हमने ये बिना किसी लेस के, बिना किसी बुकरम के इसको बनाया है। तो ये देखिए, हम यहाँ पर सिंपल इसको इस तरीके से बनाएंगे। तो हमने एक सिलाई लगाई, सिलाई लगाने के बाद में हम पट्टी को यहाँ पर एक सिलाई और लगा देते हैं, जिससे कि हमारी पट्टी में अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए और पट्टी काफ़ी सुंदर लगे। तो ये देखिए, हमने एक सिलाई और लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद में हम यहाँ पर इसको करेंगे इस तरीके से, ये देखिए डबल फोल्ड। डबल फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर हमें 1.5 इंच तक सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरीके से रखेंगे और सिंपल आपको इस तरीके से 1.5 इंच तक सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद में कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ पर एक सिलाई और लगा देंगे। तो ये देखिए, हमारी यहाँ पर चोली बनकर रेडी है। ये देखिए कितने अच्छे से आई है। सिंपल अब हमें लेना है अपना घेर। घेर को करेंगे इस तरीके से डबल फोल्ड। डबल फोल्ड करने के बाद में बीच सेंटर पर निशान लगाएंगे। सेम इसी तरीके से चोली में भी निशान लगाएंगे। निशान से निशान मिलाकर ही हमें अपनी चोली को करना है ऐड। तो ये देखिए, इस तरीके से रखेंगे बीच से बीच मिलाकर और यहाँ पर हम इसे सिंपल सिल देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से इसको पक्का करके स्टिच कर देते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा दी। एक्स्ट्रा के धागे यहाँ से निकाल देंगे। तो कुछ इस तरीके से ये हमारी ब्यूटीफुल सी सुंदर सी पोशाक आई है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने कान्हा जी को पहनाकर आपको दिखा दी थी। आई होप गाइस आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय बाय।